व्हाट्सअप गाइस, आज हम दोस्तों टॉप 25 ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर लाइन टी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको यदि आप नोट डाउन करके पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि पोएट्री इज़ द नोबेल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन टू आइडियाज ऑफ लाइफ, हु सेड दिस। तो पोएट्री के संदर्भ में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन है कि एलियट इज द वेस्ट लैंड इज बेस्ड ऑन, तो इसका जो बेस था जिस पे था ये द लीजेंड ऑफ द फिशर किंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलरिज दिस लाइन ट्री ब्राउरी प्रिजन इज एड्रेस टू चार्ल्स लैम, को ये एड्रेस कर रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस टेल्स अस अबाउट अ कीन एनालिसिस ऑफ द सोल ऑफ ए सेल्फिश मैन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिंकन्स इज द पिकविक पेपर्स, जो है वो चार्ल्स डिंकन का जो है पहला उपन्यास है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि हुज प्रोज इज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न प्रोज, तो ये जॉन ड्राइडन है। सेवन नंबर क्वेश्चन है हु इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू इन ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड, तो ये स्पेंसर हैं। नेक्स्ट एट नंबर है कि द वर्ड रोमांटिसिज्म हैड इट्स ओरिजिन इन द मिडिल एज, में जो है रोमांटिसिज्म जो है ये मिडिल एज में आया। नेक्स्ट नाइन नंबर है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया इज रिटन बाय कोलरिज, तो इसको कोलरिज ने लिखा है। टेन नंबर क्वेश्चन है कि नेम द हीरो ऑफ होमर एलियट, तो एसिचाइल्स जो है हीरो है होमर एलियट का। इलेवन नंबर क्वेश्चन है द ग्लोब थिएटर ओपन इन, तो ग्लोब थिएटर जो ओपन हुआ तो शेक्सपियर इसको लंदन में जो है 1599 में। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर्स कंटेम्प्रोरी वाज बेन जॉनसन। एंड थर्टीन नंबर क्वेश्चन किंग लियर वाज पब्लिश्ड, तो किंग लियर पब्लिश हुई थी 1608 में। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है कि फेमस करेक्टर्स इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट, तो शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट के ड्रामा में जो फेमस करेक्टर है वो है सर टॉबी एंड सर एंड्रयू अगची। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन ट्वेल्थ नाइट, तो मालवेलियो जो है ये जो लेडी ओलिविया के जो है ये सर्वेंट है। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, हु सेड, ये हो जाएगा रस्किन। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर, टी एस एलियट। एट्टीन नंबर क्वेश्चन है कि एम्बिशन इज फाउंड इन विच शेक्सपियर ड्रामा, तो ये होगा मैकबेथ। और नाइन्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि लास्ट सॉनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो ये था द टाइटल ऑफ गॉड लेइंग वन एस्लीव, जो था ये सॉनेट लास्ट था विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया था। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है कि मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो वेन, तो ये जो है मैकबेथ जो है कहता है अपनी जब उसकी वाइफ की जो है डेथ हो जाती है तो जो न्यूज़ उसको जो मिलती है तो उस पर कहता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो वेन। ट्वेंटी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलिवर फॉल्स इन लव विथ, तो ओलिवर जो है उस प्यार में पड़ा था एलिनिया एज यू लाइक इट में जो है ये करेक्टर है। 22 नंबर क्वेश्चन है द प्रिल्यूड पब्लिश्ड इन, तो प्रिल्यूड जो पब्लिश हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो है 1850। 23rd क्वेश्चन है कि फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ जॉन गॉल्सवर्थी, तो जॉन गॉल्सवर्थी का जो पहला सक्सेसफुल उपन्यास है वो 1906 में जो है पब्लिश द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड 24th नंबर क्वेश्चन के विच नावल ऑफ गॉल्सवर्थी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, तो जो मास्टरपीस इनका नावल था वो इंडियन समर
ऑफ फोर स्टाइल। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों कि फाकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, तो इनको जो फाकनर महोदय को नोबेल प्राइज मिला था वो 1949 में मिला था। तो ये दोस्तों टॉप 25 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो अगर आप इसका एक कलेक्शन बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।